फरा गोगी को मुबैना तौर पर रिश्वत देकर पुरकशिश असामियों पर तैनातियां हासिल करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द एंटी करप्शन का घेरा तंग। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स तैनात होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। साबिक DGLDA अहमद अजीज तारड़ समेत कई ब्यूरोक्रेट्स के मामलों की छानबीन शुरू कर दी गई है। बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, बताएगा इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है? बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने फरा गोगी जो है जो बुशरा बेगम की दस्ते रास थी और उसकी करीबी थी, उसके जरिए जो है जो ब्यूरोक्रेट ने AC DC या कमिश्नर लगते रहे हैं उनके खिलाफ जो है महकमा एंटी करप्शन ने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और बैंकों की जो ट्रांजेक्शन हुई है उसके भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं और डाटा इकट्ठा किया गया है और बाकायदा तौर पर उनके घेरा तंग किया गया है। साबिक DGLDA अहमद अजीज तारड़ जो है उस पर भी इल्जाम है कि उसने फरा गोगी को पैसे देकर जो है DGLDA लगे थे। इस हवाले से मुख्तलि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और खास तौर पर जो AC DC लगते रहे हैं पैसे देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है और रिपोर्ट के बारे में डाटा और ट्रांजेक्शन और सारे सबूत महकमा एंटी करप्शन ने इकट्ठे कर लिए हैं और ब्यूरोक्रेट्स के घेरा तंग किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने अपडेट किया।